नमस्कार दोस्तों, माय उपचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आयुष पांडे और आज जिस विषय में मैं आपसे बात करूंगा उसका नाम है हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप की बीमारी। जानेंगे हाइपरटेंशन होता क्या है, किन कारणों से हाइपरटेंशन होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें बचाव और इलाज क्या करें। तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें हाइपरटेंशन बीमारी पे विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, हाइपरटेंशन एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। इसका मतलब कि ये एक से दूसरे को नहीं फैल सकती, लेकिन WHO जो हेल्थ का बहुत बड़ा संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने इसे ग्लोबल एपिडेमिक घोषित किया है। एक ऐसी बीमारी जो समय के साथ फैल रही है और बहुत तेजी से हो रही है। आमतौर पे ये उम्र बढ़ने के साथ में बीमारी देखी जाती है, लेकिन चूंकि अब लोगों का रहन सहन खान पान खराब हो गया है तो ये अब यंग एज में भी काफी ज्यादा पाई जा रही है। नॉर्मल 30% भारतीयों में हाइपरटेंशन की शिकायत देखी जा रही है, इसीलिए WHO ने इसे ग्लोबल एपिडेमिक घोषित किया हुआ है। चलिए जानते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रीडिंग को हम हाइपरटेंशन कब मानेंगे। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा 120/80 mmHg होता है, जिसे 120 हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या सरल भाषा में ऊपर वाली रीडिंग भी कहते हैं ब्लड प्रेशर की, और 80 mmHg को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या नीचे वाली ब्लड प्रेशर की रीडिंग भी कहते हैं। जब 120/140 mmHg हो जाए और 80/90 mmHg हो जाए तो इसे हम हाइपरटेंशन मानेंगे। हाइपरटेंशन के भी दो ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड वन में ऊपर वाली रीडिंग 140/159 mmHg होती है और नीचे वाली रीडिंग 90/99 mmHg होती है। उसी तरह से स्टेज टू या ग्रेड टू में ऊपर वाली रीडिंग 160 mmHg से ज्यादा होती है और नीचे वाली रीडिंग 100 mmHg से ज्यादा मानी जाती है। जानते हैं हाइपरटेंशन का कॉज या कारण क्या होता है। आमतौर पे लोगों की दिनचर्या या रूटीन ऐसी हो गई है जिसमें ना वो तो अपने लिए समय निकाल पा रहे हैं, ना किसी प्रकार का एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं, ना उनका खान पान या भोजन सही से हो पा रहा है। ये इसका एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। दूसरा, हाइपरटेंशन जनरली दो कारणों से हो सकता है। इसे हम प्राइमरी या सेकेंडरी कॉज या कारण मानते हैं। प्राइमरी कॉज को हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसका हमें कारण ही नहीं पता होता। दूसरा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसे हम मानते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण इसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल को मानते हैं, जिसमें आपका या तो खान पान सही नहीं है, या भोजन सही नहीं है, या एक्सरसाइज का कोई रूटीन नहीं है, या जेनेटिक कॉज। अगर आपके माता पिता या दादा दादी को हाइपरटेंशन है तो आपको हाइपरटेंशन होने की शिकायत होने की खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ आप नमक का अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं, ऊपर से खाने में, दाल में या सैलड में बहुत ज्यादा नमक ले रहे हैं, ये भी रक्तचाप या हाइपरटेंशन को बढ़ाता है। अधिक मात्रा में धूम्रपान या मदिरा पान करना भी हाइपरटेंशन होने का कारण हो सकता है। आइए जानते हैं हाइपरटेंशन के लक्षण क्या होते हैं, इसे कैसे पता लगाया जा सकता है। आमतौर पे कई बार हाइपरटेंशन कोई लक्षण नहीं दिखाता, लेकिन जब ब्लड प्रेशर की रीडिंग बहुत बढ़ जाती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट या प्रमुख आपको सुबह के समय सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। आमतौर पे ये सर का दर्द आपके सर के पीछे भाग की तरफ देखा जाएगा, जिसे हम मेडिकल भाषा में ऑसिपिटल हेडेक कहेंगे। दूसरा, बहुत ज्यादा घबराहट होना, पसीना होना, सीने में दर्द का होना, या आपका बायां बाजू दर्द करना या बाएं कंधे में दर्द होना भी हाइपरटेंशन का लक्षण हो सकता है। अगर आपको हाइपरटेंशन लंबे समय से है और इसके लिए कोई जांच या आप दवा नहीं ले रहे हैं, तो लंबे समय से रहने के बाद आपको बेहोश होना या चक्कर आना, ऐसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ नाक से खून आना या आपके दिमाग में ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक भी लंबे समय तक हाइपरटेंशन के बाद देखा जा सकता है। हाइपरटेंशन अगर बहुत समय तक बढ़ा हुआ रहे तो ये आपके दिल, दिमाग या गुर्दों पे असर डालता है, जिसमें ये ब्रेन हेमरेज के साथ साथ हार्ट अटैक, जिसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, ये भी करा सकता है, या ये किडनी पे असर डाल सकता है। आइए जानते हैं हाइपरटेंशन में हम जांच क्या कराएंगे। अगर आपको सबसे जरूरी है कि ये लक्षण देखने को मिले तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और जांच कराएं। डॉक्टर आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग सबसे पहले मापेंगे। इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर से रीडिंग ले रहे हैं अपने घर पे भी,
तो एक बार में कम से कम 2 से 3 बार रीडिंग ले। सबसे जरूरी है किसी प्रकार का तनाव ना ले या बहुत ज्यादा दौड़ के भाग के आके ये रीडिंग ना ले, वरना रीडिंग ऊपर नीचे आ सकती है। साथ ही साथ डॉक्टर आपके इस विषय में ईसीजी या इको की रीडिंग कराएंगे, जिससे आपके दिल की गतिविधियों की जांच हो पाएगी। अगर बहुत ज्यादा मोटे लोग हैं तो इसमें डॉक्टर थायराइड या लिपिड की जांच भी कराएंगे। चलिए जान लेते हैं हाइपरटेंशन में इलाज और बचाव क्या करें। सबसे पहले अगर आपको हाइपरटेंशन पहले से हो रखा है तो आप अपनी दवा नियमित समय पर रोजाना लें। कई लोग दवा रोजाना लेते तो हैं, लेकिन अगर उनकी रीडिंग ठीक हो जाती है या नॉर्मल हो जाती है तो बिना डॉक्टर के सलाह के हाइपरटेंशन दवा लेना बंद कर देते हैं। ये बहुत खतरा कर सकता है या खतरे का संकेत आगे जाके कर सकता है। दवा बिल्कुल बंद ना करें, डॉक्टर के सलाह के बिना ना तो दवा लेना छोड़े ना इसकी डोज कम करें। जब डॉक्टर आपकी जांच करेंगे तभी इस दवा का डोज को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरी चीज, इसके लिए दवाएं कई सारी मार्केट में उपलब्ध हैं। आमतौर पे ये सिप्लार, बीटा ब्लॉकर या निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, टेलमिसार्टन, ओल्मिसार्टन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कई सारी प्रिपरेशंस दवाओं की उपलब्ध हैं। डॉक्टर आपकी जांच करेंगे और उस निरीक्षण के आधार पे ही इन दवाओं का कोर्स आपको चलाएंगे। ये 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम के डोज पे भी आती है और दिन में 1 बार या 2 बार लेना आपके ब्लड प्रेशर रीडिंग पर ही निर्भर करता है। तो डॉक्टर से जांच के बाद ही इन दवाओं का आप सेवन करना शुरू करें। हाइपरटेंशन से बचाव के लिए सबसे जरूरी है एक नियमित दिनचर्या में आए, स्वस्थ भोजन का सेवन करें जिसमें तरल पदार्थ, हरी सब्जियां और फल की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हो। आप अगर धूम्रपान या मदिरा पान कर रहे हैं तो इसे बिल्कुल बंद कर दें। नींद पूरी तरीके से आप अपनी अच्छे से लें, साथ ही साथ किसी प्रकार का तनाव ना लें। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है हाइपरटेंशन को कराने में, और अगर आपको जेनेटिक हिस्ट्री है और ये चीजें आपकी चल रही हैं तो खतरा बढ़ जाता है हाइपरटेंशन के होने का। तो इन चीजों का ध्यान रखें। नियमित अगर आप दिनचर्या में आएंगे तो इससे बिल्कुल बचा भी जा सकता है और हाइपरटेंशन के जो मरीज हैं उनकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स भी बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। साथ ही साथ आप अपनी दवा टाइम पे लें, डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलोअप में रहें और एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर की मॉनिटर आप अपने घर पे भी ले लें अगर हाइपरटेंशन के आप मरीज हैं तो। ये आप हफ्ते या 10 दिन में एक बार आप अपनी रीडिंग को माप सकते हैं, जिससे आपको पता चलते रहेगा कि आपके दवा खाने के बाद रीडिंग क्या रही है और दवा खाने के पहले रीडिंग क्या रही है। दवा लेना बिल्कुल अपने से ना छोड़े, डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसके डोज पे आप विचार करें। नमक की मात्रा आप खाने में कम से कम लें, क्योंकि नमक हाइपरटेंशन को बढ़ाता है। फ्रूट्स जैसे बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज हाइपरटेंशन को नियंत्रित करने में काफी अच्छे हैं। साथ ही साथ जामुन आप ले सकते हैं या फालसा, जो कि गर्मी के समय मिल भी रहा है। पपीता हो गया, तरबूज, खरबूज, इसमें अच्छी मात्रा में तरल पदार्थ होते हैं और साथ ही साथ विटामिन और मिनरल्स जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम या सेलेनियम, ये हाइपरटेंशन को अच्छा नियंत्रित करता है। तो इसे आप रोजाना तौर पे ज्यादा से ज्यादा लें। साथ ही साथ चुकंदर, पालक, गोभी, पत्ता गोभी, ये भी हाइपरटेंशन को नियंत्रित करने में काफी अच्छे फल या सब्जियां हैं, तो इसका सेवन आप ज्यादा से ज्यादा करें। तला भुना मिर्च मसाला बिल्कुल कम से कम लें। नॉनवेज अगर आप ले रहे हैं तो आप इसे बॉइल्ड नॉनवेज ले सकते हैं। मिर्च मसाला वाला नॉनवेज आप ज्यादा से ज्यादा ना लें तो ही बेटर है, ये फायदेमंद रहेगा। तो आशा करता हूँ हाइपरटेंशन पे दी गई जानकारी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर इस संदर्भ में आपके कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछें। माय उपचार के साथ इसी तरह से जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।